जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज करो, अर्जेंट करो, जोर से बोलो मार्च ऑन। बहुत सारे लोग हैं जो 5-8 कुछ लोग 18-20 साल से एडहॉक पोजीशन में काम कर रहे हैं और सही ढंग से काम कर रहे हैं। हम लोग पहले ये नहीं बोलते थे कि इनको अब्सॉर्ब कर लीजिए। ये मूवमेंट जब शुरू हुआ था, ये हमारे छोटे छोटे 4 डिमांड के लेके इमीडिएटली शुरू हुआ था, छोटे 4 डिमांड में। और वो छोटे 4 डिमांड तो सरकार ने मान लिया है। EWS वाला दे दिया, 28 के चिट्ठी दे दिया, सेकंड ट्रांच के पोजीशन वाला कर दिए, स्क्रीनिंग पॉइंट का क्राइटेरिया जो हम लोग डिमांड किए थे लगभग वो दे दिया है। बट अभी जो आपका क्वेश्चन है कि खतरा क्या है, खतरा ये है कि UGC रेगुलेशन में कॉन्ट्रैक्चुलाइजेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा गेस्ट टीचर्स अपॉइंट होंगे, तो गेस्ट टीचर्स कोई सोल्यूशन नहीं है। आप परमानेंट टीचर कीजिए। और अभी एक ही सिचुएशन हो सकता है, जल्द से जल्द रेगुलेशन लाके अगर इनको रेगुलराइज कर ले, एब्जॉर्ब कर ले सिस्टम में, उसके बाद जितने सारा पोजीशंस हैं उसमें परमानेंट अपॉइंटमेंट करे। हम निशांत शर्मा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज सांधे के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक के तौर पर पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अगर सिर्फ एक लाइन में कहना है तो मैं यही कहूँगा कि जिनका खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है, वो देश के बच्चों का और इस देश का भविष्य कैसे सुरक्षित करेंगे। वन लाइनर। और ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल 7 साल मुझे हो गए एडहॉक पढ़ाते हुए, कई बार फॉर्म निकले, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये के फॉर्म्स हम अभी तक भर चुके हैं, लेकिन प्रोसेस शुरू ही नहीं होता, किसी ना किसी मुद्दे पे प्रोसेस को रोक दिया जाता है। इसीलिए आज 10,000 शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं ताकि वो अपनी जायज़ मांग को मिनिस्ट्री के कानों तक पहुंचा सके और अपनी बात के लिए सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सके, क्योंकि शिक्षक वायलेंट नहीं होता। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट बहुत साइलेंट हो रहा है, बहुत नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, लेकिन मांग जायज़ है और जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी हम इन सड़कों से उठेंगे नहीं। मेरा नाम डॉक्टर माली सांवरिया है, मैं अदिति महाविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में एडहॉक बेसिस पर पढ़ा रही हूँ। देखिए, जो महिला टीचर हैं उन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा हाशिए पर रहे हैं जब हम एडहॉक इज़्म की बात करते हैं। दरअसल क्या होता है कि एक होता है उनका सामाजिक जीवन जिसमें उनकी छवि बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि वो एडहॉक बेसिस पर है। तो हमारे बीच में कितनी शिक्षिकाएं हैं जो कहती हैं कि उनकी शादी रुकी हुई है इस वजह से, क्योंकि वो एडहॉक बेसिस पर है। कोई उनको मतलब कोई भी किसी भी रिश्ते में वो बनना नहीं चाहती हैं और उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है सोशली, क्योंकि उनको जो जिनसे भी शादी तय होती है उनको लगता है कि ये तो एडहॉक बेसिस पर है, इसका पता नहीं है कि कब उसका नौकरी चला जाएगा, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। देन सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू डिपार्टमेंट और कॉलेज लेवल पे मेटर्निटी बेनिफिट्स जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक महिला शिक्षक की ज़िंदगी में, वो नहीं है। क्या हमारे बच्चे जब हम फैमिली प्लान करते हैं तो क्या हमारे बच्चे परमानेंट के बच्चों से किसी तरह से कम होते हैं, या जो परमानेंट को होती है उसको मेटर्निटी बेनिफिट मिलते हैं, सारे लीव्स मिलते हैं, हमें कोई मेटर्निटी बेनिफिट और लीव का भी हमारे यहाँ सिर्फ 4 लीव्स हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल छुट्टियां नहीं होती हैं। और मोस्ट ऑफ जो कलीग हैं वो सिजेरियन के बाद 3-4 दिन में जॉब पे आ जाते हैं, जबकि डॉक्टर ही उनको बोलता है कि 15 डेज से पहले आप बेड से नहीं उठ सकते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद उन्हें कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उनके पास छुट्टी नहीं होती। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि एक बच्चे के लिए मतलब ब्रेस्ट फीड करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक एडहॉक कलीग नहीं करा पाता। अगर मैं अपना बताऊँ, मैं भी नहीं करा पाई हूँ, मतलब मैंने अपने बच्चे को एक हफ्ते में छोड़ दिया था तो मुझे फार्मूला मिल्क पे आना पड़ा, मैं ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं पाई। तो एक मतलब एज अ मदर हम ना तो बच्चे के साथ जस्टिफाई कर पाते हैं और ना एज अ मदर हम जस्टिफिकेशन दे पाते हैं। तो मतलब ये एक ह्यूमैनिटी पे बहुत मतलब वार सा है कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे, आप बताइए। हॉक फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स एंड मोस्ट ऑफ देम, आई मीन एवरी वन ऑफ देम हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 8 ईयर्स एज एड हॉक। दैट मीन्स After every 4 months, we get appointment. So we have been appointed at least 50 to 60. It has been 12 years. No interviews have been held. So where do we? मैं भग्नीवेता कॉलेज में पिछले 7 सालों से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ। हमारी जो मांग है वो एब्जॉर्प्शन को लेके है। हम चाह रहे हैं हमारे पास
जो परमानेंट होने के लिए सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन है, और यहाँ तक कि हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन सरकार बार 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 हमें ये आश्वासन देती है कि परमानेंट करेंगे, परमानेंट कर नहीं पा रहे हैं। कॉलेजों ने कई बार ऐड निकाली जिसके चलते हमारा कई हज़ार पैसा व्यर्थ हो गया, एडवर्टाइज आई लेकिन वो एडवर्टाइज में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारी एक मांग है कि ये सब जो हम चाह रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन, कि हमें रेगुलराइज किया जाए, परमानेंट किया जाए। हम अपनी आवाज़ अपने पीपल रिप्रेजेंटेटिव तक पहुँचाना चाह रहे थे, जिसके चलते हमने पार्लियामेंट मार्च का वो आह्वान किया था और हमें बीच में रोक दिया गया है। यहाँ संसद थाने में अभी हमें हाउस अरेस्ट टाइप से किया गया है। हम अपने अधिकारों के लिए जहाँ तक जा सकेंगे हम जाएंगे।